दोस्तों, नवजात शिशु का रोना बेहद आम बात है। ये एक तरह की रोजाना चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो अपनी जरूरतों को बयां करते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी रात को अचानक से रोने लगे तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। बच्चों की नींद बड़ों के मुकाबले थोड़ी अलग होती है। बच्चों के रोने के कई कारण हो सकते हैं जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। मगर सवाल ये उठता है कि शिशु रात में ही क्यों रोते हैं? यदि आप भी उन्हीं माता पिता में से एक हैं, तो यहाँ जाने इसका कारण और उपाय। शिशुओं को अक्सर पेट में गैस बनने की शिकायत हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बोतल से दूध पीते वक्त वे हवा को निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस बनने लगती है। दूध पिलाने के बाद शिशु को ढकार जरूर दिलवाएं। शिशु की पीठ की मालिश करने से भी उसे दर्द की शिकायत नहीं होगी। बच्चे का पेट जितनी जल्दी भरता है उतनी ही जल्दी खाली भी होता है। नवजात शिशु रात को सबसे ज्यादा भूख के कारण रोते हैं, इसीलिए उन्हें दूध पिलाने का इंतजाम पूरा रखें। यदि बच्चा ज्यादा ही छोटा है तो उसे रात में फीड जरूर करवाएं। अगर आपका बच्चा रात में अचानक रोना शुरू कर दे तो सबसे पहले उसका डायपर चेक करें। अगर वह गीला है तो समझ जाए कि बच्चा असहज महसूस कर रहा है। हमेशा ऐसा डायपर चुनें जो रात भर बच्चे को आराम से सोने में मदद करे। मौसम के हिसाब से ध्यान दें। कहीं आपने गर्मी में अपने बच्चे को ढेर सारे कपड़े तो नहीं पहना रखे हैं, या फिर अधिक सर्दी होने के कारण बच्चा ठंडक महसूस कर रहा है। अधिक ठंडी और अधिक गर्मी महसूस होने पर बच्चा रोकर उठ जाएगा। माना जाता है कि शिशु भी बड़ों की तरह नींद में बुरे सपने देखते हैं। ऐसे में अगर बच्चा डर के जग जाए तो माँ को हमेशा उसके पास ही रहना चाहिए। इससे माँ का स्पर्श बेबी को सेफ महसूस करवाएगा, क्योंकि बुरे ख्याल से बच्चा पूरी तरह डर चुका होता है। शिशु अगर 4 माह के आसपास है और रात को रोकर उठ जाता है तो समझ जाए कि उसके दांत निकलने वाले हैं। इससे वह अधिक लार भी गिराने लगता है। ऐसे में आप उसके मसूड़ों की मालिश कर सकते हैं। उसके मसूड़ों की जलन कम करने के लिए उसे दांत से चबाने वाले खिलौने, तीथर जैसे खिलौने दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बच्चे के रात में उठने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भूख लगना, डायपर गीला हो जाना, उसे ठंडी या गर्मी महसूस होना, पेट में दर्द या दांत में दर्द भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, माँ का स्पर्श और माँ का प्यार इन सभी चीजों को दूर कर सकता है। तो अपने बच्चे के पास रहे हमेशा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दें, इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।